आज मैं मुखलिस वालों का जो है ना सारा पर्दाफाश करके बताने वाला हूँ आप सबको। नंबरदार नंबरदार नंबरदार, रात दिन हमें जो है ना यही सुनने को मिल रहा है कि नंबरदार गुम हो गया। यार बताओ अभी यार क्यों सबको परेशान कर रहा है? करो अभी टाइम नहीं आया बताने का। परेशान है तो वो खुद ढूंढे, वो माँ बाप है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे सब समेत करते हैं आप सब? कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, मेरे घर में भी सब ठीक है ठाक है, ठीक सब ठीक ठाक है। तो माशाल्लाह से हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो चुका है, तो रहना है हमारे साथ साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करने। जो बीमार है पाक उनको शिफा दे, जो बे औलाद है पाक उनको नेक औलाद दे, जो मजदूर हैं चल फिर नहीं सकते पाक उनको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नेक दुआ के साथ चलते हैं लोग की तरफ। अभी जो है मैं साकिब को जो है ना दूध पिला रही थी, आटा वगैरह जो है मैंने गूंद लिया है, और रिजवाना जो है तंदूर जला रही है। इधर साकिब को जो है इतनी गंदा बना हुआ था तो इसको नहला के अभी कपड़े पहना दिया है, अभी दूध पिला दिया। तो उसके बाद जो है ना अभी इसको आ रही है नींद, तो इसको जो है ना अभी चारपाई निकालती हूँ, उसको सुलाती हूँ। जितिया को बोला है कि आज इसको झूला देती रहो, मैंने अभी चारपाइयाँ निकालनी है, बिस्तर वगैरह निकालना है, और तंदूर जल जाएगा, फिर इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे। और मौसम की सूरत हाल बताते कह रहे, तो शाम को जो है ना बारिश आई थी, जब सुबह वाली अजान होती है ना उस टाइम बारिश आई थी, जैसे कूलर पंखा चलता है ना ऐसे चल रही थी, तो माशाल्लाह से ठंडी ठंडी मतलब बारिश की हवा भी चल रही थी। और अभी मौसम की सूरत हाल देखिए, माशाल्लाह से बादल भी हैं थोड़े थोड़े से, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस्तिहाना भी आ चुकी है, ज़किया भी आ चुकी है। सुनाओ ज़किया, ठीक हो? काम वगैरह कर लिया? कपड़े भी धो लिया, बर्तन भी धो लिया, कपड़े भी उतार लिया, सारा काम कर लिया माशाल्लाह। नहीं करो, नहीं करो इस ना, इसको नहीं करो, इसको बैठने दो इधर। अम्मा अम्मा, और साकिब जो है आज मम्मा, तो मम्मा साकिब आज इसकी और इसकी ना आदत बनी हुई है, वो दिखाएं बहन जी को। साकिब ऐसे बोलो अपने बाबा को बुलाओ, ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साकिब जान के लिए दुआ करनी है सामने, वो देखो बाबा को बुलाओ, हाँ साकिब का बाबा। आ नहीं करो, मुझे पप्पी दो ताकि, मुझे पप्पी दो पप्पी दो पप्पी दो। चलो किया साकिब को उठाओ, वो बाबा आ रहा है, उसको ऐसे बुलाओ। जा रहा है, देखें मेरा पुत्र किधर है? पूछो बाबा किधर है, कहाँ है बाबा? बाबा चले गए, बाबा मस्जिद के हवाले से काम था कुछ, वो लेनी थी टैल, फिर छोटी टैल, फिर वो और भी कुछ थे सीमेंट बजरी वगैरह वगैरह, वो लेने गए। एक मिनट, ये क्या है, ये क्या है, इधर देखो ये क्या है, क्या है? बाबा जाना वो साकिब के लिए जलेबियाँ लेने गए हैं। हाँ जी जलेबियाँ लेने, हमारे साकिब के लिए जलेबियाँ लेने गए हैं। सकिया उठा लो, चलो बाय बाय कर, बाय बाय ऐसे ऐसे, बाय बाय ऐसे ना, बाय बाय बाय। सोने के लिए रो रहा है समिया जो यहाँ पर बैठी हुई है, और इसको रेडी कर दिया, फ्रेश कर दिया मसाला मैंने, और अभी बैठ के सोच रही है। बाकी इसका खाना पीना जो है ना वो आम साहब ने देखना होता है, पानी भी मांगती है, इशारा करती है तो हम इसको पानी दे देते हैं। जब इसको भूख लगती है तो रोती है, जब कोई और चीज़ मतलब हम खा रहे होते हैं ना तब भी इशारा करती है, जब प्यास लगती है ना तो फिर भी इशारा करती है। पहले जो है ना इसकी आदत क्या थी, ये जब भी प्यास लगती थी ना ये चारपाई से नीचे उतर के चले जाती थी, अंदर ना टोकरे से गिलास ले आती थी, गिलास ला के ना जकिया को देती थी, बोलती थी पानी ले आओ। ऐसे मतलब इसका जहन जो है ना वो काम करता था। देखो दुपट्टा मैंने पहनाया,
फिर उसने उतार दिया। सुबह वाला नाश्ता जो इसको मिल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और दोपहर वाली रोटी भी इसने खा ली है, क्योंकि हम सबका ध्यान जो है ना ज़्यादा इन बच्चों की तरफ ही होता है, इसलिए हमें और सुमिया की तरफ। और माशाल्लाह वैसे तो ये चल पर नहीं सकती, बैठी रहती है और बोल भी नहीं सकती, अक्ल भी इसका थोड़ा बहुत काम करता है। सेहत जो है ना माशाल्लाह इन दोनों बच्चों की सही है, इस्तेहाना के भी और समिया के भी, इनके ना खूब खिदमत करते हैं माशाल्लाह, इसलिए मोटे ताली हैं। और अभी ना शाम के खाने का वक्त हो रहा ना, तो देख रही है अब शाम का खाना बनता है और समिया खा के ना, इसकी एक और आदत भी है ये ना, रात को काफ़ी लेट सोती है, हर कोई सो जाता है, ये उठ के बैठी रहती है चारपाई के ऊपर, फिर वो रात के 1-2 बजे जाके सोती है, पता नहीं क्यों बैठी रहती है, ऐसे हंसते भी रहती है फिर बैठी रहती है, जब तक लाइटें बंद नहीं होती, जब तक आखिरी इंसान भी सो नहीं जाता ना, ये बैठी रहती है। मैं रात को अक्सर 1-2 बजे सोता हूँ ना, तो बाहर देखता हूँ तो ये भी बैठी होती है अभी, फिर मैं सोता हूँ लाइटें ऑफ करके, फिर ये भी सोती है, मतलब वो जब तक कख हिलता रहे ना इसकी आँख बंद नहीं होती, बिल्कुल शोर ख़त्म हो जाए ना घर में फिर सोती है, ये भी इसकी आदत है। बाकी ज़िद जो है ना ये इसका बचपन से है, जो भी ज़िद करती है ऐसे बस उसी पे डट जाती है, जो चीज़ भी खिलानी हो फिर कहते हैं नहीं, अगर अम्मी कहीं रेडी करने के लिए ले जाएं तो सोती है इधर सहन में, सोती है बिल्कुल नहीं हिलती, इसका ज़िद जो है ना जैसा दिमाग काम करता है वही कर देते हैं, जिन दिमाग हो तो पता हो जो मुझे कुछ कह रही है, जब मैं कुछ खाना पीना है को अपनी मर्जी से। हाँ ये तो है, बस काफ़ी देर से जैसे चारपाई पे बिठा दूँ, चले बिठा दे, चारपाई भी उसके निकाल ली है, और मौसम जैसे अभी बता रहे थे ना कौसर के, गर्मी ने ना रिकॉर्ड आज फिर से तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा हवा हो गई, मैंने बोला था ना जब 2-3 दिन बारिश आती है तो फिर ऐसा ही होता है, आज धूप खड़े रहे ना सारा दिन, अभी बादल हो रहे हैं अभी, मौसम जी ठंडा होने का इम्कान है इंशाल्लाह, रात को सुकून, बल्कि रात को जो है ना इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हम सुकून से नींद करते हैं, ठंडक पड़ जाती है। हाँ अभी वो वाले गर्मियाँ तो नहीं रही, इंशाल्लाह बस नेक्स्ट मंथ लग रहा है कल से पहले तरीके ना, अगले 15 तक माहौल बिल्कुल चेंज, और रबी अव्वल का महीना भी आ रहा है, तो वो मैं बताता चलूँ कि हमने उधर जाना है खानपुर। और साकिब की लगता है मन्नत है, साकिब की मन्नत देने जाना है 12 रबी अव्वल वाले थे, वहाँ पर एक सफर का महीना खत्म हो रहा है, आज 25 तारीख है सफर की। हाँ तो सही, क्योंकि वो वहाँ पे एक बाजी है, वो 12 रबी अव्वल वाले दिन ना वो बयान करती हैं, तलावत करती हैं, तो सारे बस्ती इलाके वाले ना वो हर साल वो बयान करते हैं उधर, फिर वो उधर से जो भी बंदा दुआ मांग के आता है ना वो पूरी हो जाती है, तो हमने भी मांगा था हमारी मामी समीना ने, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ है, तो अब वो पूरी करनी है ना मन्नत। सही बात है, चलो आप 10 को 11 को चले जाना फिर 12 को। हाँ क्योंकि अंग्रेज़ी की 15 डेट को रबी अव्वल की 12 बनती है चांद की, तो हमने ना 12-13 को चले जाना है अंग्रेज़ी की 12-13, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये मन्नत पूरी होगी, फिर उसके बाद एक और मन्नत भी रहती है इधर, जब मेला लगेगा ना। मेले तो होती है, चले आप खाने पीने का बंदोबस्त करें, बल्कि आप तो मवेशियों का खाना पीना करेंगे। मैं अभी पानी पिला के आया हूं, अभी दूध निकालना है। हाँ जी स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज की बुनाई हो रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। अच्छा मैं प्याज की बुनाई दिखा दूँ, क्योंकि बच्चों हो गए मैंने ना ये बुनाइयाँ वगैरह ये चीज़ें मैंने दिखाई नहीं। हाँ प्याज मेरे ब्राउन हो रहे हैं, और अभी इसमें से जो है ना मसाले वगैरह ऐड करती हूँ दूसरे। मैंने प्याज की बुनाई आपने देख ली, अभी जो है ना कल रिजवाना बोल रही थी कि
दाल अन दलील अन खा खा के दलील हो। आज फिर से वो घिया तूरी लेकर आए थे, मैंने कहा है फरमान को अब चिकन ले आओ, हमने चिकन बनाना है। मतलब एक ही बार बात करने पर चिकन आ गया, वाह। एक बार दाल की बात हुई, आज तो फुल ट्रेंडिंग में जा रहा है चिकन। हाँ जी भाई, पे चला गया सीधा। फरमान ने बोला एक किलो मंगाना, मैंने कहा खाएं तो कुछ कढ़ाई वगैरह बना कर खाएं। हाँ इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि कुछ और अक्सर हक बनते हैं हमारा कि हमने बड़ा गोश्त खाए, उसमें ताकत भी है फायदा भी है। वो फरमान को डॉक्टर ने मना किया है बड़ा गोश्त। अच्छा ये है ना कि सियाने कहते हैं मुर्गी तो खुद अपने पाँव पे नहीं चल सकती, आपको क्या ताकत है। ये वही बात है, मजबूरी तो हमें मुर्गी खाने पा रही है, क्योंकि फरमान की तबीयत का तो पता है ना सबको, डॉक्टर ने रोका है। अम्मी बोल रही थी कि इसके साथ बड़ा गोश्त होगा ना मजा आएगा खाने में, लेकिन क्या करें मजबूरी है। हाँ अगर एक बंदा ना खाए तो फिर हमें एहसास होता है ना उसका। जी जी हम खाते रहे मंगा के वो ऐसे देखते रहे। हाँ जी चलो मुर्गी जो है ना ये भी बस खाना अच्छा खा लेता है इंसान, खुशी की बात है। साकिब को जो ले आई है जकिया, अभी तो इसको सुला रहे थे, पता नहीं क्या वजह बने कि इसको फिर से उठा कर आ गए। नहीं सो रहा, इसकी उंगली निकालो मुँह से। अच्छा तो ये मैंने आप सबको बताया था कि ये अपने वक्त पे सोता है, वो भी मगरब के बाद। इतने जल्दी वो मैंने कौशल को भी बोला है कि ये नहीं सोएगा, उसने माना ही नहीं। मैं नहीं सुनता मसला तो प्यारे लग रही है, प्यारे शारी लगता है। सुर्खी जो है ना आपने कैसे ले ली सुर्खी, आपने वो आपकी तोड़ दी थी इस्तियाना ने। हाँ इस्तियाना तो ऐसा कैसे वाला भाभी दिलाते। चलो जी ओ उसके मम्मा आ गई, फिर से हो जाएगा अपने मम्मा की तरफ। हाँ इसको ना ऐसे घुमाते फिराते रहो ये, ठीक है ना, ये चुप रहेगा तो वो ना रोटी बना लेगी। कल आपके सासू माँ आई थी, क्या कह के गई है, कुछ फैसला हुआ है, बात हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे हाल वाल। खैर खैरियत कुछ नहीं आई थी। चलो अच्छी बात, साकिब बचा 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 बचा, कुट दे कुट दे, झंब दे झंब दे झंब दे झंब दे मिट्टू झंब दे है झंब दे, शाबाश ये झंबता है सबको। चलो दुपट्टा सर पे लो, चलो दुपट्टा नहीं पावड़ा ना लास्ट में। अच्छे बच्चे जो है ना बच्चे, हाँ वो दुपट्टा सर पे लेके रखते हैं। चलो इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है ना, गर्मी का मौसम है, इंजॉय करें। तो सब लोग जो है ना देखने वाले कहते हैं, अक्सर हमने नोट किया खासा जो है ना हमें तंदूर पर ही मिलती है, तो अभी इस सवाल का जवाब जो है ना वो कौशल खुद देगी तो अच्छा लगेगा। क्या सुनना है? कुछ नहीं है, क्या जवाब दूँ, रोटी बना रही हूँ अभी, मैं भी रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ तो आप आ जाते हैं। क्या हुआ, हमने वर्क दिखाना है ना सारे घर के। हाँ दिखाएं। ये नई बात नहीं है, मैं बरसों से दिखाता आ रहा हूँ। 1957 में मेरे दादा रोटी बनाते थे, वो भी मैंने दिखाई थी ना हमने। ये बात ना करो, ये मेरे पुराने रिवायात है, हम खानदानी लोग हैं और पिछले रिवायत रस्म रिवाज नहीं बोलते, ठीक है ना। और मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए अभी, मुझे उस सवाल का जवाब। मैंने बोला कि जो भी देखने वाले हैं सब विवाद कहते हैं कि अक्सर हमें कौशल तंदूर पर ही मिलती है, रोटी इसका काम है, सारा दिन मुझे लगता है रोटी बनाती। तो अब इस सवाल का जवाब कौशल के पास है।
ये हंसना अच्छी बात है, मेरी नानी भी ऐसे हंसती थी तो डर आ गया था नाने के ऊपर। सही बात है हंसना, बाकी हम तो शादीशुदा हैं। आप सवाल का जवाब दो। क्या दो जवाब, सवाल ऐसे करते हो? मैं बता देता हूँ आपको, नहीं आ रहा मेरी रोटी भी नहीं चाहिए। आपको किसने बोला नहीं चाहिए रहा, सख्ती पड़ गई। अच्छा ऐसे हाथ से आपकी तरफ गौर करती हूँ तो उधर से मेरी रोटियां भी जल जाती हैं। क्यों देखो मेरे मुंह पे आटा लगाना होता है। अच्छा बात सुनो, आपका जो सवाल किया है सब लोगों ने वो मैं जवाब दे रहा हूँ। एक कौशल हर वक्त रोटी नहीं बनाती है, सारा दिन नहीं बनाती है, और जब ये शाम का डिनर बनाती है या सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है उसी टाइम हम वीडियो में दिखा देते हैं। और काम जो है ना कौशल का यही है, सही कहा। हांडी जो है ना वो भाभी बनाती है, रोटी जो है ना कौशल और रिजवाना बनाती है, और वीडियो में मैं ये डेली दिखाता हूँ ना इसलिए वो वक्त। अगर एक दो दिन ना दिखाऊँ तो चाहत बढ़ जाती है। तंदूरी रोटी के शौकीन बहुत हैं, और एक सिस्टर कह रहे थे मुझे बहुत तंदूरी रोटियाँ ना बहुत पसंद है, मेरा हिस्सा रख दें तो लिहाजा मैं आके खाऊँगी। हाँ जाए आ जाए, हम पार्सल करके ना भिजवा देते। जा रहे हैं सनम महफिलों से तेरी आगे। ये कॉस्मोस ना किया था वो बोल रही है ये वाला सॉन्ग सुना तू मेरे माथे की बिंदिया। अच्छा वो वाला उसके पीछे पड़ गई है रिजवाना। नहीं आप मजे क्या सुनाते हो, गाना बहुत पसंद है इसको। नहीं आप मजे का सुनाते हो, देखना फिर से वो असल में जब किसी के फरमाइश आते हैं ना तो झिझक होने लगती है, ऐसे बोलता रहता हूँ। नहीं मैं बोल रही हूँ प्यारा, वो बहुत अच्छा, वो दूसरा भी सुनाना ये अलग। अच्छा सुनो, तो मेरे माथे की बिंदिया तू नैनों का काजल है, मैं बरखा तो बादल है। आगे आगे तो मुझे भूल गए। बस यही कहता रहता है। अच्छा अस्क बिनो लो बस सुन लिया दोनों। हाँ जी दोनों सुन लिया। देखें ये हाँ डेली मैं बिस्तरे नहीं निकालती थी ना तो बादल भी नहीं होते थे, आज मैंने बिस्तरे निकाल लिया इधर से देखें। नहीं ये जब ये इधर वाला बादल चढ़ता है तो बरसता नहीं है। बरसता है रात ही बरसा था फिर आप नहीं इधर भाभी भैया अम्मी रकिया जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। वो रात में जाग रहा था, मेरा नाम भी शामिल करो रजवाना। जाग रहे थे मैंने जाग रही इसके साथ, मैंने साकिब को सुनाया फिर चली गई, मैंने वो बिस्तरा ले गई कमरे में। बोला था मौसम चेंज हो गया अभी आंधी आ रही है। अच्छा बात सुनो ये वाला मैंने कल भी बताया व्यूअर को कि मशरक साइड वाला जो है ना बादल वो कभी नहीं बरसा, ये जनूब वाला शुमाल वाला और मगरब वाला ये तीनों बरसते। ठीक है जी बना लो, आज मुझे वैसे ज़्यादा भूख लग रही है चिकन को देख के। आज मैं मुखलिस वालों का जो है ना सारा पर्दाफाश करके बताने वाला हूँ आप सबको, नंबरदार नंबरदार नंबरदार। रात दिन हमें जो है ना यही सुनने को मिल रहा है कि नंबरदार गुम हो गया। आज मैं आपको असल हकीकत जो है ना वो बता रहा हूँ, नंबरदार गुम हुआ है कि नहीं हुआ, और वो किस शहर में है, किस सिटी में है, किसके घर में है, ये भी मुझे सब पता है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। यार बताओ अभी यार क्यों सबको परेशान कर रहे हो? करो अभी टाइम नहीं है बताने का, परेशान है तो वो खुद ढूंढे वो माँ बाप है। आज ना मैं सबका पर्दाफाश करने वाला हूँ, ठीक है ना। नंबरदार कहाँ है वो मुझसे बात भी करता है, मुझे जो है ना सब कुछ मालूम है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं उन्हें। वो रोज़ कॉल करता है मुझे, मैसेज भी करता है, सारे डिटेल जो है ना मेरे पास मौजूद है। वक्त आने पर ना मैं वो सारे मैसेज वैसे हर चीज़ में मैं लोगों के सामने लाऊंगा।
अभी जो है ना मैं नहीं बता सकता, सॉरी। और वो उनका हक बनता है, वो माँ बाप है, वो खुद ढूंढे। मैं जो है ना, मुझे पता है सारा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये थे राज, और राज जो है ना मैं छुपा के रखता हूँ, कभी सामने खोलता नहीं हूँ। यार आपको बताना चाहिए यार, क्यों? अगर उससे बात होती है, वो पूछते भी है तो बताओ उन्हें। मुझे सब पता है। चलो हमें नहीं बताना तो उनके माँ बाप को बताएं, आज करके बताएं, वो खुद ढूंढ के ले जहाँ भी है। अरे ये भी मुझे मालूम है, ये वजह भी मुझे पता है कि वो घर छोड़ के क्यों गया है और वो घर क्यों नहीं जाना चाहता। वो तो पता है सारा कुछ, मुझे उसने बताया है उसके साथ क्या हुआ था, उसने घर क्यों छोड़ा। और अभी वो जिस जगह पे है ना, ये चाहे 8 दिन भी ढूंढे ना, वो जगह उनको नहीं मिले। बस मैं बताना नहीं चाहता, अभी राज को राजे रहने दें। मैं जो है ना देख रहा हूँ सबको, अभी वक्त आने पे ना खुद बताऊँगा और खुद वो जाएंगे वहाँ से ले। मैं पता आपको भी मैं राजी करूँगा कि वो घर चला, वो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। अभी मैं नहीं बता सकता, उसने मुझे रोका हुआ है।